नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन पिछले कई दिनों से बीमार चल रही हैं। उनका इलाज हिलव्यू हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वह पैंक्रियाज से जुड़ी समस्या से जूझ रही हैं। अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। इसके लिए उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट ले जाया गया, इसके बाद वहां से सीधे हैदराबाद। बता दें कि पिछले बुधवार को इलाज के लिए उन्हें एडमिट कराया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मां के साथ हैदराबाद गए हैं। हिलव्यू हॉस्पिटल में सेहत में कुछ भी सुधार न होता देख मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में इलाज कराने का फैसला लिया। लेकिन सीएम के इस फैसले के बाद सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर झारखंड में मेडिकल की इतनी लचर व्यवस्था क्यों है। जब कोई नेता या मंत्री या फिर उसके परिजन बीमार होते हैं तो उनका इलाज करने में भी झारखंड के बड़े से बड़े अस्पताल सक्षम नहीं हैं। कोई दिल्ली का रुख करता है तो कोई चेन्नई का, तो अब सीएम की मां की बीमारी के बाद उन्हें हैदराबाद जाना पड़ा। जब बड़े बड़े नेताओं का यह हाल है तो आम जनता का क्या होगा। बड़े बड़े वादों के साथ सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन व्यवस्था वही ढीली ढाली। हालांकि इस व्यवस्था के पीछे की क्या वजह है, इस पर जब हमारे सहयोगी मनीष झा ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय लेनी चाही तो उनका क्या कहना है, पहले आप वो सुन लीजिए। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल अगर जिम्स पर बड़े लोगों का भरोसा ना हो, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की माँ बीमार हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रही हैं। जब शिबू सोरेन जी बीमार पड़े तब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया और तत्पश्चात उनको दिल्ली मेदांता भेजा गया। जगन्नाथ महतो बीमार हुए तो हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल चकमरा चुका है। आए दिन हाईकोर्ट भी टिप्पणी करते रहती है और स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं वो दावा करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, दुरुस्त है और लोगों को यहाँ इलाज कराने के लिए आना चाहिए। जिन लोगों के पास इतने संसाधन नहीं हैं, इतनी पैरवी नहीं है, पैसे नहीं हैं, वो मजबूरी में रिम्स जरूर आते हैं, लेकिन रिम्स के व्यवस्था पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और खासकर बड़े लोगों को पहल करने की आवश्यकता है कि अगर उनके परिजन बीमार पड़े तो वो रिम्स पर भरोसा करें, ताकि अन्य लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिले और भरोसा बढ़े रिम्स पर, तभी जाकर रिम्स का भी जीर्णोद्धार हो सकता है और रिम्स पर भरोसा भी बढ़ सकता है लोगों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर उनका उपचार भी चल रहा है और अभी वो स्टेबल भी है, लेकिन डॉक्टरों से सलाह लिया जा रहा है। डॉक्टर लोग अगर उनकी राय होगी कि इनको और बेहतर इलाज के लिए हम लोगों को ले करके जाना है तो फिर हम लोग ले करके जाएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो भी राय आएगा उस राय के साथ हम लोग चलेंगे। देखिए, मुझे यह लगता है कि स्वाभाविक तौर पे इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सुदृढ़ हुई है, लेकिन आप देखें कि राज्य बने 22 साल हो गया। इन 22 सालों के दरमियान 17 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में शासन किया है, लेकिन उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। आपको पता होगा कि कैसे रघुवर दास जी के कार्यकाल में इसी रिम्स में और इसी जमशेदपुर के हॉस्पिटल में नोनियालों की हत्या हुई है, ऑक्सीजन के बिना और दवाई के बिना। तो कम से कम उस पर हम लोगों ने रोक लगाने का काम किया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बेहतर इलाज, आदमी भी ये समझता है कि हमारा जो पेशेंट है उसका बेहतर इलाज हम मुंबई में करा सकते हैं, उसका बेहतर इलाज हम हैदराबाद में करा सकते हैं, तो लोग वो लेकर के जाते हैं। पक्ष का काम है आरोप लगाना और सत्ता पक्ष का काम है बचाव करना, लेकिन आरोप लगाने या बचाव करने का समय भी अब कुछ दिनों में निकल जाएगा, क्योंकि अब समय है झारखंड में मेडिकल व्यवस्था को मजबूत करने का। क्योंकि कोरोना महामारी ने लोगों को समझा दिया है कि अगर जीना है तो आपके राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना ही होगा। अब देखिए झारखंड में यह व्यवस्था कब मजबूत होती है, तो सवाल वही है लेकिन जवाब तलाशने की जरूरत हम सभी को है। जवाब तलाशिए और हमें भेजिए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज विंग टीवी।